नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे साथ यानी रेशमा कौर के साथ और आप देख रहे हैं करंट न्यूज। राजस्थान में सियासी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। राजस्थान की सियासत में अब लगातार नए मोड़ सामने आ रहे हैं। अब भाजपा भी अपने विधायकों की बाड़ाबंदी करने वाली है और कुछ विधायकों को भाजपा ने रवाना भी कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक भाजपा के 12 विधायक बाड़ाबंदी के लिए गुजरात शिफ्ट किए गए हैं। ये विधायक उसी होटल के बगल में ठहरे हैं जहां पायलट खेमे के विधायक मौजूद हैं। तो क्या भाजपा को डर है कि उनके यहां भी दो फाड़ हो सकती है? भाजपा के जो विधायक गुजरात भेजे गए हैं वे विधायक उदयपुर, जलोर, सिरोही, जोधपुर संभाग के बताए जा रहे हैं। इन विधायकों में जगसीराम कोहली, समाराम गरासिया, पूराराम पटेल आदि के नाम शामिल हैं। और सूत्रों की माने तो आने वाले दिनों में भाजपा के सभी विधायकों की बाड़ाबंदी के लिए होटल में शिफ्ट किया जा सकता है। इन विधायकों के शनिवार को सोमनाथ के दर्शनों को जाने का भी प्लान है। बाकी लोगों की बाड़ाबंदी जयपुर में करने की तैयारी है। पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 11 अगस्त को बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय को लेकर हाईकोर्ट का निर्णय भी आने वाला है। ऐसे में भाजपा भी अलर्ट मोड पर आ गई है। इसके चलते आलाकमान के निर्देश पर करीब 1 दर्जन विधायकों को गुजरात शिफ्ट किया गया है। अलग अलग जिलों के नेताओं को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इस बात की भी चर्चा है कि कुछ कांग्रेसी नेताओं के बीजेपी विधायकों के साथ संपर्क करने की शिकायत के बाद पार्टी ने ये बड़ा कदम उठाया है। उधर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की जेपी नड्डा से शुक्रवार को हुई मुलाकात को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि राजे भी बीजेपी के संगठन से नाराज चल रही हैं। उनके इस्तीफे तक की बात सामने आ चुकी है। तो बीजेपी को डर है कि कहीं राजे की नाराजगी की वजह राजस्थान में पार्टी टूट ना जाए। नड्डा से मुलाकात के दौरान वसुंधरा राजे प्रदेश में चल रहे सियासी घटनाक्रम पर तो बात ही की है, साथ ही प्रदेश में उनके खिलाफ हुई बयानबाजी पर भी नाराजगी जाहिर की है। इसके बाद बीजेपी में डर का माहौल बना हुआ है। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। ताज़ातरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए करंट न्यूज़। धन्यवाद।